अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले बात करते हैं क्विक अपडेट की। तो Xiaomi ने 14T सीरीज को ग्लोबल मार्केट के अंदर प्लस पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया है। कल हम लोगों ने चैनल के ऊपर Xiaomi 14T की अनबॉक्सिंग और प्राइस के बारे में डिस्कशन की है और इस स्मार्टफोन के अंदर Xiaomi ने क्या क्या टॉप फीचर्स को इंक्लूड किया, सारे की सारी डिटेल आपको कल हम लोगों ने प्रोवाइड की थी। तो अनबॉक्सिंग प्लस क्विक रिव्यू का जो लिंक है नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को अगर बजट कैटेगरी के अंदर कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि आपको नियर फ्लैगशिप टाइप का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, तो भाई ये वाला जो स्मार्टफोन है ना वो काफी तबाही स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। लाइक इसके अंदर आप लोगों को 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बाकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस और जो प्लस इसकी प्राइस है लिंक आपको नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा। भाई Xiaomi काफी ज्यादा एग्रेसिव आया, आपको काफी इंटरेस्टिंग और कमाल की स्पेसिफिकेशंस प्लस वैल्यू मिलने वाली है। बात करते हैं पहली अपडेट की जो कि है आईफोन्स के बारे में। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि भाई अगर तो आपको शो मार्निंग आपके पास अन्ना पैसा, तो आप पहले दिन के अंदर या फिर पहले वीक के अंदर आईफोन 16 सीरीज का मोस्ट प्रोबेबली आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स को बाय कर सकते हो, क्योंकि बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब जो प्राइजेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं आईफोन 15 सीरीज के साथ, तो जो आईफोन 16 सीरीज की प्राइजेज जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे आई ना भाई पता ही नहीं चला। जब लॉन्च हुआ था तो पहले दो तीन दिन के अंदर आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 6.5 से 7 लाख के मिल रहे थे। अब अगर हम लोग लेटेस्ट प्राइस की बात करते हैं तो भाई आईफोन 16 प्रो और जो प्रो मैक्स हैं पाकिस्तान के अंदर नॉन पीटीए वाले जो वेरियंट हैं वो 4 लाख 25-30 हज़ार के करीब मिल रहे हैं, विच मीन्स के 2 से 2.5 लाख प्राइस जो है ना वो एक वीक के अंदर नीचे आ चुकी हुई है। अब इमेजिन करें कि जिस बंदे ने पहले दिन स्मार्टफोन को बाय किया था उसको कितना ज़्यादा नुकसान होगा। उसने थोड़ी सी शोशा तो ले ली, लेकिन भाई काफ़ी मेजर जो है ना आपने गलती की अगर आपने पहले एक दो दिन के अंदर बाय किया। लेकिन अगर आपके पास अन्ना पैसा, आपके प्लॉट्स पड़े हुए, आपके बड़े भाई बाहर के मुल्कों के अंदर हैं, तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा से ही खुशी मिलती है, डोपामाइन रिलीज होती है। लेकिन भाई अभी भी मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आईफोन 16 सीरीज स्पेशली तौर पर आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स ग्लोबल मार्केट के अंदर भी इतना सेल नहीं हो रहे, तो बहुत जो प्राइस है मजीद नीचे आ सकती है। तो अगर आपने बाय करना है तो एटलीस्ट आप लोगों ने 1 से 1.5 महीना मजीद वेट करना है। और अगर आपके पास आईफोन 14 प्रो है या फिर 15 प्रो प्रो मैक्स वगैरह, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं करना, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। अगर आप आईफोन 13 प्रो वगैरह को 12 प्रो को यूज़ कर रहे हो तो फिर आप डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हो। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि अगेन इसी फ़ोन की सीरीज के बारे में काफ़ी ना नहुसत सी फैल गई हुई है। अब अपडेट्स ये आ रही हैं कि जिन लोगों के पास आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स है उन्होंने जब iOS 18.1 के ऊपर अपग्रेड किया, या फिर iOS 18 के अंदर भी इवन काफ़ी ज़्यादा टच के इश्यूज आ रहे हैं, उनका जो टच है ना वो ठीक से काम नहीं कर रहा, वो स्वाइप करते हैं तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, डेड सा फील होता है फ़ोन। इसके अलावा जो कैमरा कंट्रोल कैपल में बटन लगा है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मसले आ रहे हैं, वो भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अगर आपके फ़ोन के अंदर टच के रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी इशू आ रहा है, आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स की स्पेसिफिकली बात हो रही है, या फिर आपके फ़ोन के अंदर जो कैमरा कंट्रोल वाला सेंसर है वो ठीक से काम नहीं करा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने वेट करना एप्पल कब नेक्स्ट अपडेट को रोल आउट करता है, उसके अंदर आपका मसला होपफुली सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी कही जा रही है क्योंकि एप्पल ने बेजल्स काफ़ी से छोटे कर दिए हैं, तो जो एक्सीडेंटल टचेज है उनको रोकने के लिए एप्पल कोई बीच में स्कीम लगाता है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो डिस्प्ले है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। इस किस्म के कुछ मिक्स टाइप के जो है ना ओपिनियंस आ रहे हैं, लेकिन आपको वेट करना नेक्स्ट अपडेट का अगर इनके हिसाब के फोन के अंदर इस किस्म का कोई मसला आ रहा। तो नेक्स्ट अपडेट है वीवो के बारे में। तो भाई फाइनली वीवो अपनी V40 सीरीज को पाकिस्तान के अंदर लेके आने वाला है। 1 अक्टूबर को एक फ़ोन आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि इनिशियली तौर पर V40 5G पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाएगा। अब आप लोगों के लिए वेट होगा कि भाई हमने V40e का वेट करना है, तो आई थिंक वो अभी लॉन्च नहीं किया जा रहा, मे बी लॉन्च हो जाए, लेकिन मिक्स टाइप के रूमर्स आ रहे हैं, काफ़ी कम चांसेस हैं कि V40e पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाए, क्योंकि अभी तो वो ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं हुआ, तो पाकिस्तान के अंदर आई डोंट थिंक कि वो लॉन्च होगा सबसे पहले। अगर हम बात करते हैं V40 5G की स्पेसिफिकेशंस की, तो इस किस्म का आपको डिज़ाइन मिलेगा जो कि काइंड ऑफ सिमिलर डिज़ाइन है इनके जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं V40 सीरीज के अंदर। कर्व एमोलेड डिस्प्ले होगा 128 के रिफ्रेश रेट के साथ, बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर, फ्रंट के ऊपर अगेन 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, IP68 और IP69 की आपको मिक्स टाइप की रेटिंग मिल जाएगी। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर होगा 5500mAh की बैटरी के साथ, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलने वाली है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्यू वाले इसकी प्राइस को कितना रखते हैं, लेट्स सी, 1 अक्टूबर को हमें पता चल जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि भाई व्यू वाले अपनी इस सीरीज के अंदर कोई टेलीफोटो सेंसर वगैरह कोई लगाते नहीं, कभी अल्ट्रावाइट को मिस कर देते, कभी ये टेलीफोटो नहीं लगाते। तो वीवो कैमरा सेंट्रिक तो गेम रखता है, लेकिन थोड़ा सा अगर बंदे ने जूम करना हो
तो वही फिर चीज़ें ना धुंधली होनी शुरू हो जाती हैं, तो इनको टेलीफोटो सेंसर को भी डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए था। जो प्राइस आएगी आई थिंक 1,50,000-60,000 के करीब ही ऊपर ही जाने वाली है, या फिर इसके पास कहीं पर होगी, तो अगर आपने वेट करना तो बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। इसके बाद मूव करते हैं वन प्लस के ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर वन प्लस के किट फोन काफ़ी सारे चल रहे होते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वन प्लस की जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी शेयर कर देता हूँ। अब आने वाली है वन प्लस की 13 सीरीज। जो वन प्लस 13 है उसका कुछ डिज़ाइन निकल के सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये कोई आपको जो ड्रॉइंग टाइप नज़र आ रही है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज द वन प्लस 13 डिज़ाइन। अगर हम बैक साइड के ऊपर देखते हैं तो इस दफ़ा एक चेंज जो कि बड़ा हमें नज़र आएगा, पिछले मॉडल्स के अंदर वन प्लस ने जो कैमरा का मॉड्यूल था उसको फ्रेम के साथ ही चिपका दिया था, सैमसंग का डिज़ाइन कॉपी किया था, लेकिन इस दफ़ा आपको इंडिपेंडेंट कैमरा का मॉड्यूल मिलेगा जो कि टॉप वाली साइड के ऊपर है। वो काफ़ी बड़ा कैमरा का मॉड्यूल है, और जो कैमरा के लेंसेज के साइजेस हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा वेट से लग रहे हैं भाई, इनको थोड़ा सा बैलेंस करो। चाहे कैमरा का सेंसर छोटा लेकिन थोड़ी सी सिमेट्री तो नज़र आनी चाहिए। इस किस्म का डिज़ाइन किया जा रहा है कि वन प्लस 13 के अंदर आपको मिलेगा, और अगर प्रो वाला वेरियंट भी आता है तो उसके अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ाइन ही होगा। आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है आप लोग अपनी ओपिनियन का इजहार कर सकते हो। वैसे इस डिज़ाइन के ऊपर देखकर एक्चुअल में लुक का आइडिया तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग रफली जो आइडिया वो तो डेफिनेटली ले ही सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है इन्फिनिक्स के बारे में। तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के बारे में बात की थी, जो कि स्लिमेस्ट फोन होने वाला था, जिसकी थिकनेस 6 मिलीमीटर से भी कम होने वाली थी। अब उस स्मार्टफोन के रिलेटेड कुछ और टॉप फीचर सामने कहा यह जा रहा है कि वो सिर्फ स्लिमेस्ट फोन ही होगा, उसके अंदर इन्फिनिक्स और भी काफ़ी ज़्यादा कुछ शशके ट्राई करने वाला है। अब ये चीज़ कही जा रही है कि वो वाला जो स्लिमेस्ट फोन होगा ना, वो अंडर वाटर भी चार्ज हो सकेगा, मतलब कि अगर आपने उसको पानी के अंदर डाल के चार्ज करना है। अब पता नहीं इन्फिनिक्स यहाँ पर किन यूजर्स को टारगेट करा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो अंडर वाटर भी चार्ज होगा, और उसके अंदर आपको 260 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। -40 डिग्री के अंदर भी उसको चार्ज किया जा सकेगा। उसके अंदर इन्फिनिक्स ने कोई अल्ट्रा डेंसिटी वाली थिक टाइप की बैटरी की टेक्नोलॉजी लगाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगी, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ आएगी, काफ़ी ड्यूरेबल होगी, IP68 की रेटिंग होगी। लेट्स सी कि इन्फिनिक्स का ये फ़ोन कब आता है, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, और किन यूजर्स को टारगेट किया जाता है, मतलब कि ये चीज़ भी तो मैटर करेगी ना कि उसके डिस्प्ले की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर का क्या एक्सपीरियंस है, जो कैमराज लगे हैं वो किस किस्म के, उनकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, प्रोसेसर कौन सा इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड किया, प्राइस कितनी रखी है। अब ये तो चीज़ इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है कि वो स्लिमेस्ट फोन है या फिर उसको आप अंडर वाटर चार्ज कर सकते हो, क्योंकि वाटर डैमेज की तो वैसे भी कोई वारंटी नहीं होती, लेकिन इन्फिनिक्स कुछ क्रेजी करने की कोशिश कर रहा है। मार्केटिंग का तो इनको फ़ायदा होगा ही होगा, फोन कितना वैल्यू फॉर मनी होता है, कितना यूजर्स को ये टारगेट करता है, कितना बिजनेस जनरेट कर सकता है, ये तो बात की ही बात है, लेकिन चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग सामने आ रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना, ये पर्सनली तौर पर हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग टाइप की अपडेट है। आप लोगों ने पिछले वीक के अंदर एक न्यूज़ को लाजमी तौर पर सुना होगा कि लेबनान के अंदर उनकी जो वायरलेस डिवाइसेज थे, उनके जो पैजेस थे या फिर स्मार्टफोन्स थे, उनकी पॉकेट्स के अंदर ही एक्सप्लोड कर रहे थे। लाइक कोई बंदा खड़ा हुआ एकदम से उसका जो फोन है वो एक्सप्लोड कर गया, तो उसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही थी कि भाई इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया था, उन्होंने जो डिवाइसेस इंपोर्ट करवाई थी इसराइल ने पहले से उनके अंदर कोई ट्वीक किया था, कोई बग वगैरह छोड़ा था, जिसके बाद उन लोगों ने वायरलेसली उनके पॉकेट्स के अंदर ही, उनके पर्सेस के अंदर, गाड़ियों के अंदर ही उन डिवाइसेस को एक्सप्लोड कर दिया था। अब आपको पता है कि पाकिस्तान का और इसराइल का मामला किस किस्म का चलता आ रहा है, तो रिसेंटली जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और जो फेडरल गवर्नमेंट है उनसे ये पूछा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल्स आ रहे हैं, जो इंपोर्ट हो रहे हैं आपके पास, उनको टेस्ट करने की फैसिलिटी के बारे में क्या चीज़ है। लाइक आप पाकिस्तान के अंदर जब कोई फ़ोन आता है तो उसको किस तरह चेक करते हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी जो अपनी पॉकेट्स के अंदर फ़ोन लेके फिर रहे हैं वो कोई लाइक ख़तरनाक चीज़ है, उनके अंदर चांसेस हो सकते हैं कि वो भी फ्यूचर के अंदर कभी कोई मसले अगर ज़्यादा ख़राब होते हैं तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट हमें इस चीज़ के बारे में बताए कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो अनरेगुलेटेड फोन आते हैं, आपने आपको पता है कि किट फोन आ रहे होते हैं, हमें कोई LG के फोन, कोई कोरियन वेरिएंट, कोई जैपनीज वेरिएंट, पता नहीं टिकटॉक के ऊपर अन्नी भरमार पड़ी हुई है कि भाई ये फ़ोन बहुत वैल्यू फॉर मनी है, कोई बैठा हुआ इंपोर्टर कुछ 10-15 यूनिट को मंगवाता है, उसके बाद कहता है कि भाई दिस इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। भाई बत्ती चली गई, बत्ती आ चुकी है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भाई भरे पड़े ऐसे फोन जिनका किसी किस्म का कोई भी पता नहीं होता, कौन से मुल्क से वो इंपोर्ट हुए, उनकी कोई किसी किस्म की टेस्टिंग नहीं की गई होती। तो इन केस खुदा न खास्ता अगर इस किस्म का मामला पाकिस्तान के अंदर आता ना, तो भाई हमारे तो जितने भी स्टोर्स हैं, जितने भी शॉप्स हैं, फीस सेंटर सारा भरा हुआ है ऐसे आईफोन्स के साथ, ऐसे इंपोर्टेड फोन्स के साथ जिनका किसी किस्म का कोई पता नहीं है। उनके बारे में तो ये भी नहीं पता होता PTA को वो कब पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुए हैं, क्योंकि आपको पता है टैक्स का मामला चल रहा है, JB फोन आ रहे होते हैं,
ऐसे फोन जो कि क्रैक किए गए होते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा बिगेस्ट रिस्क के ऊपर चल रहे हैं। लेट्स सी कि जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसको लेके क्या बताती है। भाई हमारे मुल्क में वैसे आपको पता ही है कोई टेस्टिंग तो होती नहीं है, तो काफ़ी एक सीरियस कंसर्न बन चुका है हमारे लिए पर्सनली। तो हमारा तो फड्डा चलता ही रहता है उनके साथ। तो आपने अब फोन बाय करना है, कोई कैसे बाय करना है, कौन सा बाय करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल के अंदर किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है भाई, इससे पहले क्योंकि ऐसा फोन आप बाय करें जिसका कोई किसी किस्म का आता पता नहीं है, कौन से कैरियर का वो फोन है, कोई गारंटी नहीं है, ऑफिशियल पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ, तो आप काफ़ी ज़्यादा बड़े रिस्क के ऊपर हो अपनी लाइफ को लेकर। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपकी लाइफ डायरेक्टली तौर पर कनेक्टेड है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका फ़ोन जो है वो अगर अप्रूव्ड है तो वो डिसअप्रूव हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग, क्योंकि भाई इसके साथ आपकी डायरेक्टली जो हेल्थ एंड सिक्योरिटी है वो कनेक्टेड है। लेट्स सी कि इसके बारे में गवर्नमेंट क्या करती है, पीटीए क्या करता है, और जो सेनेट की बैठी है उन्होंने एक दफ़ा तो बात कर ली, बाद में इसको ये फॉलोअप करते हैं या फिर नहीं करते, इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।